हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के भाग चार को देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो, जीडीसी या फिर DSSB कुछ भी आप पढ़ रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपको ये जानना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको जाने बिना आपको जो गहरा नॉलेज होता है वो कभी नहीं आएगा, और ज्ञान में गहराई जब तक ना हो तब तक आप हायर एजुकेशन में सेलेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, आप कितना भी रट लीजिए कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो आधुनिकता, आधुनिकतावाद और आधुनिकीकरण में क्या अंतर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपको जानना ही चाहिए इसको। आधुनिकता का मतलब होता है कि सोचने समझने का एक विशिष्ट दृष्टिकोण। ठीक है, सोचने समझने का एक तार्किक दृष्टिकोण। जब हम सभी घटनाओं को तार्किक दृष्टि से देखेंगे, उसके आंतरिक पक्ष को नहीं देखेंगे कि उसमें फीलिंग्स क्या है। ठीक है, क्या इसने सोचा होगा, क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी, ऐसा कुछ नहीं। जो सामने दिख रहा है कार्य कारण संबंध, हम उसी को सत्य मानते हैं। इसके आंतरिक चीज़ें जो हैं उसको सत्य नहीं मानते। ठीक है, जैसे प्रकटना शास्त्र क्या है, वो आंतरिक चीज़ों को सत्य मानता है, लेकिन इसमें क्या है, जो ऊपरी चीज़ है उसको हम सत्य मानते हैं, जो दिख रहा है बस वही सत्य है। वस्तुनिष्ठवाद जो है वही आधुनिकतावाद है। इसमें अंधविश्वासों को कोई स्थान नहीं होता, तार्किक दृष्टि से प्रत्येक घटना को देखा जाता है। ठीक है, तो आज से काफ़ी समय पहले आपने देखा होगा विज्ञान और धर्म में द्वंद्व चलता था, और विज्ञान ने धर्म को पूरी तरह से नकार दिया था आज से काफ़ी साल पहले। तो लोग जो है पूरी तरह से तार्किक दृष्टि से सोचने लगे थे, लेकिन अब जो है उत्तराधुनिक समाज आ गया है, तो अब ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया गया है, धर्म के साइंस के द्वारा भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया गया है। यही कारण है कि जब ब्रह्मांड में एक ऐसा तत्व मिला जिससे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, विश्व की उत्पत्ति हुई है, उसका नाम क्या रखे थे, हिग्स बोसान नाम रखे थे। ठीक है, गॉड पार्टिकल उसको बोला जाता है, यानी ईश्वरीय तत्व। तो ईश्वर को माना इसीलिए ईश्वरीय तत्व उसको देखा जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे चमत्कार हुए जिसको साइंस जो है विश्लेषित नहीं कर पाया। तब जाकर उत्तर आधुनिकतावाद की शुरुआत हुई और लोगों ने ईश्वरीय तत्व, फीलिंग्स जो होती हैं, जो अदृश्य एनर्जी होती है, उसको उन्होंने मानना शुरू किया। ठीक है, आधुनिकतावाद देखिए क्या है। आधुनिकतावाद का मतलब होता है एक ऐसा चश्मा जिसमें हम सभी घटनाओं को तार्किक दृष्टि से देखने लगे, तो वो क्या हो गया, आधुनिकतावाद। यानी आधुनिकता में हम रूढ़िवादी से मुक्त होकर चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, धर्म को हम नहीं मानेंगे, हम केवल जो सामने दिख रहा है, जो कार्य कारण संबंध दिख रहा है, उसका हम वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। लेकिन आधुनिकतावाद का मतलब है जब हम ऐसा चश्मा ही पहन ले कि हम सभी घटनाओं को इसी दृष्टि से देखने लगे, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो रूढ़ियाँ हो, चाहे कुछ भी हो, सभी को नकार के हम केवल तर्क को ही सर्वप्रधान मानने लगे, तो क्या हो गया, वो आधुनिकतावाद हो गया। आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि आधुनिक बनने की प्रक्रिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आधुनिकता, आधुनिकतावाद और आधुनिकीकरण में क्या अंतर है। नैतिक समुदाय देखिए क्या है। नैतिक समुदाय का मतलब होता है कि एक ऐसा समुदाय जिसमें लोगों में बहुत घनिष्ठता हो। ठीक है, और वैल्यू नॉर्म्स काफ़ी वो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, और मूल्यों के आधार पर व्यक्ति कार्य करता हो, समाज की पकड़ बहुत तेज हो उस व्यक्ति पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नैतिक समुदाय हो गया। नैतिक समुदाय में एकता ज़्यादा होती है, नैतिक समुदाय में प्रथाओं और रूढ़ियों का बाहुल्य होता है, लोग बहुत सरल होते हैं, लोगों में जुड़ाव ज़्यादा होता है, तो ये नैतिक समुदाय है। इसको हम ग्रामीण समुदाय के रूप में देख सकते हैं, इसका उदाहरण ग्रामीण समुदाय हो सकता है। नैतिक धर्मयुद्ध तो देखिए क्या है। जब समाज में उपस्थित कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी जो संवेदनशील हो, जैसे भ्रूण हत्या हो गया, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार हो गए, महिलाओं का यौन शोषण, महिलाओं की पिटाई हो गई, ठीक है, बाल मजदूरी हो गया, बच्चों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, तो ये जो संवेदनशील मुद्दे हैं, इनके विरुद्ध जब लोग आंदोलन करते हैं, इनके विरुद्ध जब आवाज़ उठाते हैं, युद्ध करते हैं, तो वो क्या हो गया, नैतिक धर्म युद्ध कहलाता है। इसकी अवधारणा हावर्ड बेकर ने दी थी, नैतिक धर्म युद्ध की, और नैतिक समुदाय की अवधारणा दुर्खीम ने दी थी। नैतिक सांख्यिकी देखिए क्या है। नैतिक सांख्यिकी का मतलब होता है समाज में जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, जैसे भ्रूण हत्या हो गया, ठीक है, महिला घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं हो गई, बाल मजदूरी का हम आंकड़ा निकालते हैं, कितने बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, तो इनसे संबंधित जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो नैतिक सांख्यिकी कहलाते हैं। ठीक है, मिथक का मतलब होता है कि प्राचीन काल का कोई ऐसी पवित्र कथा जो अधिभौतिक तत्व यानी ईश्वरीय तत्व से जुड़ी हो, वो क्या हो गई, मिथक।
ठीक है। जैसे मिथक में बहुत सी छोटी छोटी कहानियाँ हैं हमको सुनाई जाती हैं, तो वो क्या हो गया मिथक। पशुचारण का मतलब होता है कि मानव के विकास की एक ऐसी अवस्था जब व्यक्ति जो है पशुओं पर निर्भर था, पशुओं को चराता था, घुमक्कड़ी जीवन था और पशुओं पर निर्भर था, वो पशुचारण है। पितृवृत्ति, इसका मतलब है पिता और पुत्र के संबंध की अभिवृत्ति, ठीक है। यानी जब हम पिता और पुत्र के संबंध को दर्शाते हैं तो पितृवृत्ति कहते हैं इसको। पुश्तैनीवाद, इसकी अवधारणा मैक्स वेबर ने दी थी। पुश्तैनीवाद का मतलब होता है कि उत्तराधिकार द्वारा जब संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है, यानी पिता से पुत्र को, फिर पुत्र से उनके पुत्र को, इस तरह से जब मिलता है तो पुश्तैनीवाद हो गया। संकुचितीकरण का मतलब है, ये देखिए मैकी मैरियट की अवधारणा है और इसकी के बारे में मैंने उनके चैप्टर में पढ़ाया है, फिर भी बता दे रही हूँ कि संकुचितीकरण का मतलब होता है कि जब कोई बड़ी प्रथा, बड़ा कोई महान परंपरा जब होती है, वो जब छोटी होती जाती है, लोग उसको अपनाना बंद करने लगते हैं और उसको महत्व तो नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है, तो क्या हो गया, संकुचितीकरण हो गया, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।